हाँ युद्ध, युद्ध 2024। दो महायुद्ध ने पूरी दुनिया को दहला रखा है। 2023 की विदाई और 2024 का आगाज भी ना तो रूस यूक्रेन युद्ध को रोक पा रहा है और ना ही इज़राइल और हमास के बीच छिड़ी खूनी जंग रुकने का नाम ले रही है। बम, बारूद के धमाके और उनके बीच उड़ते लाशों के चीथड़े साबित कर रहे हैं कि साल 2024 युद्ध की आग में जलता रहेगा। दो महायुद्ध, युद्ध 2024। जब दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने की कोशिश में लगी थी, ठीक उसी वक्त साल 2023 में मिडिल ईस्ट में ऐसा हमला हुआ है जिसने अरब वर्ल्ड को तीसरे विश्व युद्ध का अखाड़ा बना दिया है। 7 अक्टूबर 2023 को जिस तरह से हमास के लड़ाकों ने 5000 रॉकेटों के साथ इज़राइल के शहरों पर हमले किए, उसने दुनिया के एकमात्र यहूदी देश के वजूद पर गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। हमास के हमलों के खिलाफ नेतन्याहू का इंतकाम खूनी बदले की सारी हदें पार कर चुका है, लेकिन ईरान, सीरिया, लेबनान और काफी हद तक पुतिन का रूस हमास को ना मरने दे रहा है और ना ही हारने। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आप देख रहे हैं युद्ध 2024। इस वक्त दो महायुद्ध ने दुनिया के वजूद को खतरे में डाल दिया है। हम आपको रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक आखिर क्या क्या हुआ इससे जुड़ी खौफनाक, खतरनाक सच्चाई से रूबरू करवाने जा रहे हैं। इसके साथ ही हम आपको इज़राइल और हमास के बीच लगभग 90 दिन से चल रही महाखूनी जंग की महाहकीकत से भी रूबरू करवाएंगे, जहां हमास लगभग 3 महीने से इजरायली हमलों को झेलता आ रहा है। लेकिन पहले आप ये देखिए कि 71 साल के पुतिन ने अकेले अपने दम पर यूक्रेन और नेटो के 31 देशों को आखिर कैसे 2 साल से छका रखा है। 24 फरवरी 2022 रूस का यूक्रेन पर हमला। जिस वक्त यूक्रेन का सीना चीरते हुए रूस की मिसाइलें और ड्रोन हमला कर रहे थे, उस वक्त पुतिन की बेहद करीबी एलिसिया आर्टेमयेवा ने मार्च 2023 में ये दावा कर दिया था कि रूस यूक्रेन को पूरी तरह से अप्रैल 2023 में जंग हरा देगा और यूक्रेन में रूस का मिलिट्री ऑपरेशन का मिशन पूरा हो जाएगा। लेकिन साल 2023 की विदाई और साल 2024 का आगाज भी इस महायुद्ध को रोक नहीं पाया है। 24 फरवरी 2022 को जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तो उस वक्त पुतिन को लग रहा था कि जिस तरह से साल 2014 में यूक्रेन के क्राइमिया पर रूस ने कब्जा किया है, वैसे वो यूक्रेन के बाकी इलाकों पर आसानी से कब्जा कर लेंगे। Тогда, когда мы достигнем своих целей, о которых вы сказали, теперь вернемся к этим целям. Они не меняются. Вот я напомню, о чем мы тогда говорили. О денацификации Украины, о демилитаризации. यूक्रेन में रूस का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन भले ही साल 2022 में शुरू हुआ हो, लेकिन हकीकत में साल 2023 में रूस का यह ऑपरेशन यूक्रेन के लिए साक्षात
मौत साबित हुआ है। एक तरफ अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस समेत नाटो के 31 देश और पश्चिम के 50 देश मिलकर यूक्रेन का जंग में साथ दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन का रूस 3 देशों के दम पर यूक्रेन को घुटनों पर ले आया है। результати для України, для всієї Європи. Ще один крок до свого повноправного членства України в ЄС. Я дякую всім, хто підтримав, виконав саме те, про що ми домовлялись. Дякую всім в Україні, нашій команді. फरवरी 2022 को जिस वक्त पुतिन ने यूक्रेन में घुसकर हमला किया, उस वक्त पुतिन को भले ये आसान ऑपरेशन लगा हो, लेकिन बाद में यूक्रेन युद्ध रूस के लिए नासूर बनता चला गया। लेकिन पुतिन ने युद्ध की नजाकत को भांपकर 30 सितंबर 2022 को यूक्रेन के 4 इलाकों डोनेस, लोहांस, ज़ापोरिज़्या, खेरसोन पर कब्जा कर दिया। इधर यूक्रेन को लग रहा था कि नाटो के सबसे एडवांस और घातक टैंकों के जरिए वो रूसी सेना को खदेड़ देंगे। 4 जून 2023 से यूक्रेन ने रूस के खिलाफ काउंटर अटैक शुरू कर दिया। लेकिन जल्द ही यूक्रेनी सेना को एहसास हो गया कि 3 टायर वाली रूसी सेना की रक्षा पंक्ति को भेदना जरा भी आसान नहीं है। रूस की सैन्य ताकत ने यूक्रेन को बर्बाद कर दिया। असल में युद्ध में यूक्रेन रूस के सामने टिक ही नहीं पा रहा था, लेकिन रूस के सामने यूक्रेन क्यों टिक पा रहा है? के आंकड़ों के मुताबिक जंग के मैदान में रूस के सैनिकों की तादाद यूक्रेन के सैनिकों से 4 गुना ज्यादा है, जिसकी वजह से यूक्रेन रूस को जमीन पर नहीं हरा पा रहा है। यहां तक कि हवाई ताकत में भी यूक्रेन रूस के सामने टिक नहीं पा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक रूस के पास 13 गुना ज्यादा लड़ाकू विमान है, जो यूक्रेनी सेना यूक्रेन के सैन्य अड्डों और शहरों को तबाह कर रहे हैं। वहीं समंदर में भी यूक्रेन नाटो से मिली तमाम सैन्य मदद के बावजूद टिक नहीं पा रहा है। रूस के पास यूक्रेन की तुलना में 16 गुना नौसैनिक बेड़े हैं, जो यूक्रेनी सेना को बर्बाद कर रहे हैं। अगर हम लड़ाकू बख्तरबंद की बात करें तो यहाँ भी रूस यूक्रेन पर जबरदस्त तरीके से हावी साबित हो रहा है। रूस के पास यूक्रेन से 4 गुना ज्यादा लड़ाकू बख्तरबंद वाहन है। Договариваться, ну что ж, мы тогда вынуждены принимать другие, в том числе военные меры. Но сегодня Украина почти ничего уже не производит. Ну, пытаются что-то там еще сохранить, но почти ничего не производят. Все привозят, извините за моветон, ну, на халяву все привозят. Но эта халява когда-то может и закончиться. И, судя по всему, так и заканчивается. Уровень Украины. दक्षिण यूक्रेन और उत्तरी यूक्रेन पर रूस सेना ने सबसे ज्यादा कोहराम मचाया हुआ है। साल 2022 से ही राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की यूक्रेन की जीत को लेकर बड़े बड़े दावे करते रहे। साल 2023 में तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यहां तक कह दिया था कि पुतिन का रूस पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। लेकिन हकीकत में यूक्रेन अमेरिका के दम पर दरअसल रूस से महाजंग कर रहा है, और यही वजह राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की राष्ट्रपति जो बाइडेन से 3 बार अमेरिका में मीटिंग भी कर चुके हैं। रूस का दरअसल साफ तौर पर कहना है कि ज़ेलेंस्की भले ही बाइडेन से मीटिंग पर मीटिंग करते रहें, मुलाकात करते रहें, लेकिन जीतेगा तो रूस ही। अमेरिकी एजेंसियां दावा कर रही हैं कि रूस के 90% के करीब सैनिक मारे गए हैं या फिर घायल हुए हैं, लेकिन इस दावे पर यकीन करना मुश्किल है। जरा देखिए अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के हवाले से क्या आंकड़े जारी किए गए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 22 महीनों से जंग जारी है।
इस बीच अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अपने आकलन में कहा है कि युद्ध में रूस अपने करीब 87% उन सैनिकों को खो चुका है जो यूक्रेन के खिलाफ जंग में उतरे थे। इसके अलावा रूस के 2/3 टैंक भी बर्बाद हो चुके हैं। हालांकि व्लादिमीर पुतिन फिलहाल पीछे हटने को तैयार नहीं है। 24 फरवरी 2024 को जंग को शुरू हुए 2 साल पूरे हो जाएंगे। पुतिन का साफ कहना है कि रूस किसी भी कीमत पर जंग से पीछे नहीं हटेगा। अमेरिकी अनुमान के मुताबिक यूक्रेन में रूस के 3,60,000 सैनिक घुसे थे। इनमें से 3,15,000 सैनिकों की अब तक मौत हो चुकी है। इसके अलावा रूस के 3,500 में से 2,200 टैंक भी बर्बाद हो चुके हैं। यही नहीं, रूसी सेना के वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। अनुमान के मुताबिक रूस अपने 1/4 से ज्यादा हथियारों को खो चुका है। पिछले दिनों ये भी खबर आई थी कि व्लादिमीर पुतिन ने नए हथियार हासिल करने के लिए ही उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से मुलाकात की थी। Фактически по всей линии соприкосновения наши вооруженные силы, скажем скромно, улучшают свое положение. Практически все находятся в активной стадии. यूक्रेन की बर्बादी को रोकने का एक ही तरीका बचा है, रूस के सामने बिना शर्त समझौता कर दे। साल 2023 में भले ही रूस ने जीत का ऐलान ना किया हो, लेकिन अमेरिका में हुए एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका की आधी आबादी अब महायुद्ध में यूक्रेन की आर्थिक मदद करने का विरोध करने लगी है। कुछ पश्चिमी देशों के वॉर एक्सपर्ट्स तो यहां तक कहने लगे हैं कि साल 2023 युद्ध के लिहाज से व्लादिमीर पुतिन के लिए अच्छा साल रहा, जिसका फायदा अब पुतिन साल 2024 में जरूर उठाएंगे। देखिए, एक बात तो माननी होगी कि साल 2023 में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी लीडरशिप और सैन्य ताकत के दम पर दुनिया को बदलना शुरू कर दिया। भले ही अमेरिका खुद को सुपर पावर समझे, सबसे महाशक्तिशाली समझे, लेकिन पुतिन किसी सुपर पावर से कम साबित नहीं हो रहे। पुतिन ने गाजा युद्ध में भी दिखा दिया कि जिस हमास को अमेरिका और इजराइल कुछ जिहादी लड़ाकों का संगठन समझ रहे थे, वो हमास लगभग 90 दिनों से इजराइल के लिए नासूर बन चुका है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या गाजा पट्टी का गदर मिडल ईस्ट में तीसरे विश्व युद्ध का कारण बनेगा, और इस सवाल का जवाब साल 2024 में यकीनन मिल भी सकता है। सात अक्टूबर 2023, हमास का ऑपरेशन अल अक्सा। साल 2023 इजराइल के लिए खूनी साल साबित हुआ है, और साल 2024 में इजराइल खून के आंसू रोने को मजबूर है। साल 2023 में हमास के खिलाफ ऑपरेशन स्वॉर्ड ऑफ आयरन। सात अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुआ हमास का भीषण हमला इजराइल के इतिहास का सबसे बड़ा खूनी हमला साबित हो चुका है। 41 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी में इजरायली सेना हजारों टन बम बरसा चुकी है, लेकिन अभी तक ना तो हमास का सफाया हो पाया है और ना ही हमास ने हार मानी है।
उत्तरी गाजा, दक्षिणी गाजा और वेस्ट बैंक में पिछले 90 दिनों से इसराइल की IDF खूनी बदले ले रही है, लेकिन 3 महीने बाद भी इसराइल सिर्फ उत्तरी गाजा पर ही जीत का दावा अभी तक कर पाया है। לוחמים על הקרקע, לפעמים גם מתחת לקרקע, ויש לנו עיניים בשמיים. אנחנו אומרים למחבלי החמאס, אנחנו רואים אתכם ואנחנו נגיע אליכם. אנחנו ממשיכים במלחמה, מעמיקים את הלחימה בדרום הרצועה ובמקומות אחרים. אנחנו נלחמים עד הסוף ובעזרת הטכנולוגיה המתקדמת ביותר. गाजा पट्टी में जंग के शुरुआती दिनों में इजरायली सेना को लग रहा था कि वो उत्तरी गाजा से हमास के लड़ाकों का पूरी तरह से सफाया कर देगी, लेकिन ऐसा पूरी तरह से नहीं हो पाया है। 500 किलोमीटर के दायरे में फैली हमास की 1300 से ज्यादा सुरंगों में जब इजरायली सेना का हमास के लड़ाकों से सामना हुआ तो पता चला कि हमास छोटे युद्ध के लिए नहीं बल्कि कई सालों तक जंग करने की तैयारी कर चुका है। साल 2023 में गाजा पट्टी में हुए इजरायली हमलों में अब तक 1 लाख से ज्यादा इमारतें गाजा में तबाह हो चुकी हैं। उत्तरी गाजा की लगभग 11 लाख की आबादी में से 85% फिलिस्तीनी हमास समर्थक भाग चुके हैं। इजरायल की IDF का दावा है कि उसने 7 अक्टूबर से अब तक 22,000 से अधिक टारगेट्स पर हमला किया है और उन्हें तबाह कर दिया है। यहाँ तक कि 500 किलोमीटर के दायरे में फैली हमास की 1300 सुरंगों में से 800 सुरंगों को ध्वस्त करने का दावा भी इजरायली सेना कर रही है, जबकि दक्षिणी गाजा में इजरायली वायुसेना 907 किलो के सैकड़ों बम गिरा रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने भी किसी देश के रिहायशी इलाके में इतने बम नहीं गिराए हैं। इधर इजरायल ने डंके की चोट पर दावा कर दिया है कि उत्तरी गाजा पर पूरी तरह से इजरायल का कब्जा हो चुका है। हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा के तहत 7 अक्टूबर 2023 को गाजा पट्टी से इसराइल पर भीषण हमला किया था। हमास के लड़ाके भारी हथियारों के साथ गाजा पट्टी से दक्षिणी इसराइल में घुसे और उसके बाद मौत का तांडव शुरू कर दिया। इस हमले में इसराइल के 1200 लोग मारे गए थे। हमास के दावे के मुताबिक उसने 7 अक्टूबर 2023 को 5000 रॉकेटों से इसराइल पर हमला किया, लेकिन इसराइल के आयरन डोम ने हमास के 95% से ज्यादा रॉकेटों को हवा में ही तबाह कर दिया। इसराइल पर यह हमला इतना भीषण था कि इजरायली सेना को संभलने में काफी वक्त लग गया। हमास के लड़ाकों ने समुद्र के रास्ते पैराग्लाइडर के जरिए इजरायली इलाकों पर जबरदस्त हमला किया, जिसकी चपेट में किबुत्स और एक संगीत समारोह आया जिसमें सबसे ज्यादा लोग मारे गए। हमास के हमले को इसराइल ने नरसंहार बताया। इसराइल के 75 साल के वजूद में पहली बार, जी हाँ पहली बार ऐसा हुआ जब खुद इजरायली सरकार को यह एहसास हुआ कि अगर हमास का सफाया नहीं किया गया तो फिर इसराइल का वजूद, उसका अस्तित्व मिडल ईस्ट में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने विपक्ष के साथ मिलकर एक युद्ध सरकार बनाई। बेहद गौर से सुनिए जिस युद्ध सरकार का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि इसी के बाद इजरायली सेना हमास के लड़ाकों पर चारों तरफ से टूट पड़ी। यह चौतरफा हमला था। इसराइल ने गाजा पट्टी को मौत की पट्टी बनाना शुरू कर दिया। गाजा युद्ध इसराइल के लिए मिडिल ईस्ट में नासूर बन चुका है। 22 मुस्लिम मुल्कों से बनी अरब लीग इसराइल के खिलाफ एकजुट हो चुकी है। ईरान, लेबनान, सीरिया और रूस गाजा में हमास का साथ दे रहे हैं। गाजा पट्टी में मौजूद लगभग 20 से 21 लाख लोग इस वक्त इसराइली हमलों से खौफ में आ चुके हैं। लगभग 11 लाख की आबादी उत्तरी गाजा से दक्षिण गाजा की तरफ जान बचाने के लिए भागने लगी और इधर उत्तरी गाजा पर इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने हजारों बम गिराना शुरू कर दिए। इजरायल की कॉर्पोरेट बॉम्बिंग ने देखते ही देखते उत्तरी गाजा में इमारतों को जमीन में दफन कर दिया। इसराइल पर हुए भीषण हमले के लिए हमास के 2 नेताओं को इसराइल मास्टरमाइंड मान रहा है। पहला है हमास नेता इस्माइल हानिया। 61 साल का इस्माइल हानिया कतर और काहिरा से बैठकर इसराइल के खिलाफ जंग को तेज करने में अभी भी जुटा है। हमास का दूसरा बड़ा नेता है 61 साल का याया सेनबार, जिसे दक्षिणी गाजा में मौजूद खान यूनुस का कसाई बोला जाता है।
याया सिनवार और इस्माइल हानिया इस वक्त हमास की रीढ़ बने हुए हैं, जिन्हें जान से मारने की कोशिश में इसराइल जुटा हुआ है। हमास की सैन्य शाखा इज़्ज़ुद्दीन अल कसम ब्रिगेड में लगभग 30,000 से 45,000 लड़ाके होने का दावा किया जाता है और यही इस वक्त उत्तरी और दक्षिणी गाजा में इजरायली सेना पर भीषण हमले कर रहे हैं। हमास के पास 1.5 लाख से ज्यादा रॉकेट होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि इसराइल ने हमास के हजारों रॉकेट्स को तबाह और बर्बाद कर दिया है। हमास को ईरान से घातक हथियार और रॉकेट मिलने का भी दावा किया जा रहा है। 63 साल के ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ऐलान कर चुके हैं कि हमास को तबाह नहीं होने देंगे, जबकि लेबनान का हिजबुल्ला ग्रुप हमास का साथ देने के लिए मरते दम तक साथ देने का वादा कर रहा है। 63 साल का हिजबुल्ला चीफ हसन नसरुल्ला इसराइल के वजूद को खत्म करने की धमकी दे रहा है। हमास को सबसे बड़ी ताकत रूस से मिल रही है। 71 साल के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसराइल को साफ चेतावनी दी है कि अगर गाजा पट्टी में इसराइल ने तुरंत हमले नहीं रोके तो इसके परिणाम बहुत घातक होंगे। इसराइल ने 90 दिन से ज्यादा की जंग में हमास के टॉप कमांडर्स को चुन चुन कर मारा है। अब तक 100 के करीब हमास के कमांडर्स मारे जा चुके हैं। इसराइल ने ऑपरेशन स्वॉर्ड ऑफ आयरन को तब तक नहीं रोकने का ऐलान कर दिया है जब तक कि हमास का सफाया नहीं हो जाता। दक्षिणी गाजा में इसराइल सैकड़ों हमास के लड़ाकों को मारने का दावा कर चुका है। युद्ध विराम के बाद से इजरायली सैनिक दक्षिणी गाजा में घुस गए और खान यूनिस शहर और उसके आसपास हमास के लड़ाकों पर हमला कर रहे हैं। इसराइल ने खान यूनिस से भी 4 लाख की आबादी को तुरंत भागने को कह दिया है, जिसकी वजह से हालात बेहद खराब हो चुके हैं। उत्तर जबालिया शरणार्थी शिविर और गाजा शहर के पूर्वी शेजिया जिले के आसपास भीषण लड़ाई जारी है। इसराइल ने मिस्र की सीमा के पास राफा पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं। गाजा पट्टी में अब तक 20,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जबकि 54,000 के करीब फिलिस्तीनी घायल हुए हैं। इसराइल ने गाजा में जंग के लिए 1,60,000 सैनिकों को उतारा हुआ है, जबकि इसराइल ने ऑपरेशन के लिए 3 लाख रिजर्व सैनिक जमा कर लिए हैं। इसराइली दावे के मुताबिक हमास के 10,000 से ज्यादा लड़ाके मारे जा चुके हैं, जबकि 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइल के 475 से ज्यादा सैनिक जंग में मारे जा चुके हैं। गाजा युद्ध मिडिल ईस्ट में तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन सकता है। इसराइल के प्रचंड हमलों ने जहां मुस्लिम मुल्कों को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया है, तो वहीं राष्ट्रपति पुतिन एक तरह से हमास को बचाने के लिए उतर चुके हैं। अब देखना होगा कि साल 2024 में रूस यूक्रेन युद्ध और उसके बाद गाजा युद्ध क्या दुनिया को विनाश की जंग में झोंक देंगे, क्योंकि हालात यही है। हम उम्मीद करते हैं कि साल 2024 में युद्ध खत्म होंगे। हम उम्मीद करते हैं जिस खूनी महाजंग से लाखों परिवार तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, उन्हें फिर नई जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से, न्यूज़ 18 इंडिया की तरफ से नए साल की ढेरों शुभकामनाएं।